हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के वकील ने चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिका ईमेल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। कल हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया था और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को ही गलत बताते हुए, लीगल बताते हुए इसके खिलाफ एक याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। कल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये साफ कर दिया कि ईडी को लेकर जितने भी सवाल उठाए जाते हैं, गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, वो सब कुछ निराधार है। एक और नैरेटिव जो विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा था, खासकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा था, वो अप्रूवर को लेकर था, वो गवाहों को लेकर था, उनकी सत्यता को लेकर था। इस पर भी कोर्ट ने साफ कर दिया कि गवाहों का बनना हमारे 100 साल पुराने कानूनों के तहत होता है। ऐसे में गवाहों पर सवाल उठाना जज साहब पर सवाल उठाना है। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं अरविंद केजरीवाल को, यह देखना जरूर अहम होगा। एक तरफ कोर्ट में मामला है, दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर सियासी अखाड़ा इस वक्त खुल चुका है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी नेताओं ने प्रोटेस्ट किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर, तख्तियां लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया है कि हम किसी भी सूरत हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में बीजेपी यह सवाल पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रहकर आखिर कैसे सरकार चला पाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जब तक उन पर लगे तमाम आरोप खत्म नहीं हो जाते हैं, वो बरी नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भास्कर, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, किस तरीके का प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है? देखिए प्राची, पिछले कुछ दिनों से जब से अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कम से कम जो इनके कार्यकर्ताओं की तादाद है वो बढ़ रही है। प्रदर्शन ऐसा लगता है कि नेता और कार्यकर्ता दोनों जुट रहे हैं। अगर अभी की बात करें तो तकरीबन 1000 के करीब में कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। अभी कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे हैं और यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है डीडीयू मार्ग पे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने दो बैरिकेड लगा रखे हैं। इस बैरिकेड को, ये पहले इस बैरिकेड को देखें कि इसको सामान्य रूप से कार्यकर्ता तोड़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो वज्र वाहन है उसका इंतजाम किया हुआ है जिससे कि कोई भी कार्यकर्ता आगे ना जा पाए। भीड़ बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। उस हिसाब से अगर देखें तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पे तैनात किया गया है कि किसी भी सूरत में इन कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश के तमाम नेता हैं वो एक एक करके आ रहे हैं, मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, ये धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ इसी तरह से जारी रहेगा। खासकर कल जिस हिसाब से हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है अरविंद केजरीवाल को लेके इस कथित शराब घोटाले में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब कोई मोरल ग्राउंड नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास कि वो अपने पद पे बने रहें। उनको पद छोड़ना पड़ेगा और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका कोई असर आम आदमी पार्टी पे या कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पे होते हुए दिख नहीं रहा है। वो लोग साफ कह रहे हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है और किसी के आरोप पे हम पद क्यों छोड़ें। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। दिल्ली में अगर आप देखें तो चुनाव कैंपेन के नाम पे यही हो रहा है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, जवाब में आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। ठीक है भास्कर, लेकिन फिलहाल ओवरऑल इस पूरे मामले को समझें तो एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को, उनकी पूरी की पूरी पार्टी को, उनके बनाए हुए तमाम नैरेटिव को एक के बाद एक झटका लग रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो उन्हीं पॉइंट्स को ग्राउंड बनाकर आम आदमी पार्टी पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कितना कामयाब हो पा रही है बीजेपी? देखिए, नैरेटिव बनाने की जहां तक बात है, निश्चित रूप से कल हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा आम आदमी पार्टी को और उसी को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पे उतरे हैं। इनको ये अच्छी तरह से पता है कि जनता में ये मैसेज तभी जाएगा
जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है वो जन जन तक वो बात पहुंचे, तो वो इस मंच के द्वारा बताने की कोशिश है। बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एक एक तर्क को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, उसके बाद अब ये जरूरी है कि इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएं और उसके लिए सड़क पे उतरे हैं। और ये एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को लग रही है। कल जिस हिसाब से हाईकोर्ट में ये कहा गया कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, किसी भी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप का इस केस में कोई मतलब नहीं है। इस मामले में भास्कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया है, अरविंद केजरीवाल ने वहां से राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को या नहीं ये देखना अब जरूर अहम हो गया है। इस बीच संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं, वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी दो दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें, ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है, और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है, वो भी बंद हो जाएगी, अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, ये उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है, वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, ये जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, यह कानूनी प्रावधान है। और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैंबर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं?